Hello, my dear viewers and all my dear students. This is Deepak Jain, and in this institute, English Mania, I have conducted a questioning and answering session. हम लोग हफ्ते में एक दिन यह session रखते हैं, जिसमें ताकि कोई भी students उनके mind में कैसे भी कुछ questions हैं, तो वो हमसे पूछ सकें, और हम अपने स्तर पर पूरी उसकी जितनी हो सकती है अपने अनुभव के आधार पे, अपने नॉलेज के आधार पे और अपनी लर्निंग्स के आधार पे उनका आंसर्स देने की कोशिश करते हैं. सो टुडे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज गो अहेड एंड आस्क. ओके सर, आई हैव अ क्वेश्चन एंड माय क्वेश्चन इज दिस. नाउअडेज वी सी दैट दोस पीपल हु शो अस द रियलिटी ऑफ आवरसेल्फ वी जस्ट हेट हिम एज कंपेयर टू अदर. We dislike them, yes. Right? As compared to others. Yes. And there are so many sycophant people. Yeah. Sycophant. And we like them. Right? Yeah. That is what happens. That's the human tendency. है ना? जो व्यक्ति हमारे मुंह पे हमारी बुराई कर देता है तो हम उसे dislike करना शुरू कर देते हैं, न जाने क्यों. और कोई प्रशंसा करता है ना, तो हम उसको उसके क्लोज आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, हमें पता भी नहीं चलता. ऐसा है ना? देखो, इस चीज को गहराई से समझो. ऑल्दो आई वुड लव टू स्पीक इन इंग्लिश, बट ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे गहराई से समझें, और इसीलिए आई वुड लव टू स्पीक इन हिंदी. देखो क्या होता है, सबसे पहले दो चीजें आपको समझनी होंगी. एक जो प्रशंसा या बुराई कर रहा है और एक जो सुन रहा है. सबसे पहले ये उन दोनों के बुद्धि पे, उनके दिमाग पे निर्भर करता है. ठीक है, पहले तो सुनने वाला कैसा है और दूसरा सुनाने वाला कैसा है, ये सबसे बड़ी बात है. इस बात को समझने की जरूरत है. कई बार ये होता है, आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, है ना, देयर हैज टू बी अ वे टू क्रिटिसाइज. आपके पेरेंट्स क्या आपको क्रिटिसाइज नहीं करते, क्या आपको बुरा बुरा नहीं बोलते? बोलते हैं. डू यू डिसलाइक देम और लाइक देम? मुझे बुरा बुरा बोलते हैं. No, no, है ना? टीचर्स पेरेंट्स से भी ज्यादा टीचर्स बुरा बुरा बोलते हैं, डांटते हैं, पीटते तक भी हैं, मुर्गा बना देते हैं. एट द एंड डू यू लाइक योर टीचर्स और नॉट? Likings की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब do you hate them? चलो liking छोड़ो, do you dislike them? No, है ना? अब इनमें से कोई yes भी कह सकता है, yes. तो वो गलती और कमी उसी में होगी, एक ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है ना? आपने कभी ethics and values पढ़े हैं? Do you know the ethics and their values? Ethics होते हैं moralities, social, है ना, और business के एथिक्स होते हैं. एथिक्स का मतलब पता है क्या है? कुछ चीजें हैं मोरालिटीज, वो अपनी जगह है, जैसी भी है सही है, लेकिन तुमको बुरी लगती है वो, तो वो चीजें बुरी नहीं है. बुरा कौन है? हम. राइट? आपने सुना है ट्रूथ इज बिटर, ये कहावत सुनी है? Yes, सच कड़वा होता है. तो सच कड़वा होता है, कौन बताएगा? Yes or no? Yes. Yes. सच कड़वा होता है? No sir. कोई yes कह रहा है, कोई no. Confusion है? अब बताओ, सच कड़वा होता है या नहीं? होता है. Yes. No sir, depends on like. वही, that's what I am saying. अब वो सच है. कोई चोर ईमानदार होता है? No. No. Can you say he is an honest thief? No. कोई चोर ईमानदार होता है क्या? No. तो सच कड़वा होता है क्या? हाँ, समझो इसको. चोर चोर है तो ईमानदार कैसे होगा भाई? कोई चोर ऐसा होगा तुम्हारे घर से सामान चुरा लिया फिर बाद में लौटा दिया क्योंकि मैं ईमानदार हूँ, यानी मैंने ज्यादा चुरा लिया था तो आधा लौटा देता हूँ, तो आधा ईमानदार हो गया, है ना? ऐसे तो नहीं होता ना. तो ऐसे ही सच है, सच कड़वा होता है, ये कहावत है, सही भी है नहीं भी है, है ना? सच तो सच होता है, सच कड़वा हो ही नहीं सकता, लेकिन सामने वाले को लगता है, होता नहीं है लगता है. अब आपने मुंह में गुटखा भर लिया, गोल्ड मोर तवा,
तो भाई वो खैनी मुंह में भर ली, चबा रहे हो आप उसको, अब उसके बाद में आपको मीठा खिलाओ स्पंज, उसके मुंह में पानी आ रहा है और देखकर अच्छा लग रहा है, तो वो स्पंज आपको उस समय कैसा लगेगा आपको पता है? बेस्वाद, वेपिड, है ना, बेकार लगेगा। क्यों? तो प्रॉब्लम स्पंज में है क्या? तुमने मुंह में गुटका भर रखा है। तो इसी प्रकार से दिमाग में भर रखी है गंदगी, ज्ञान है नहीं, लैक ऑफ नॉलेज इज देयर, ठीक है। तो इस समय में वो ट्रुथ जो है कड़वा लगेगा, गलत आपने किया है काम। अब आपने चोरी की तो आपको चोरी तो बोला जाएगा है, साधु या संत तो नहीं बोला जाएगा, और आपने गलत काम किया तो आपकी आलोचना ही तो होगी भाई। गलत काम पे क्या होनी चाहिए, प्रशंसा या आलोचना? तो अब आपकी आलोचना जब हो रही है तो आपको बुरा लग रहा है, प्रशंसा कर दी किसी ने तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो ये भी तो देखो कि वो प्रशंसा मेरी वाकई में मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं, कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा, वेदर इट इज एक्सट्रॉलिंग और नॉट, कहीं बड़ा चढ़ाकर जबरदस्ती वाला हो रहा हो, क्योंकि इंसान के दिमाग में कोई पर्पस हो सकता है, आपसे कोई काम निकलवाना हो सकता है ना, तो उसकी वजह से वो प्रशंसा करता है। स्पेशली अ बॉय अप्रिशिएट्स अ गर्ल अ लॉट, इन साइड द माइंड देयर मे बी पर्पस एंड गर्ल इज बीइंग हैप्पी, नाउ शी इज इन द फैंटेसी, ओह शी हैज कम क्लोज टू दैट पर्सन अनोइंगली, पता भी नहीं चला। व्हाई? अप्रिसिएशन, अननेसेसरी जबरदस्ती बढ़ाई के मौके ढूंढ ढूंढ के निकाल के थ्रो मार दिए, है ना, और वो कब उसके सरेंडर्ड हो गई, समर्पित हो गई, पता ही नहीं चला। आई लव हिम, आई डोंट नो क्यों, अच्छा लगता है ना, फील होता है। अब जिसने आपको अच्छा फील करा दिया वो अच्छा हो गया, उसने क्यों कराया, किस पर्पज से कराया, मैं उसके लायक था या थी भी के नहीं, वो हमने नहीं सोचा। तो यहाँ पे आती है आपका विजडम, बुद्धि हर एक में नहीं होती, बहुत लोगों में होती है। अब गर्ल्स का तो कहना ही क्या है ना, हो भी सकती है नहीं भी, राइट, बॉयज के केस में भी कम ज़्यादा के अंतर भी हो सकते हैं, मगर परंतु होते हैं। अब देखो किसी ने सच का बोलना है ना, इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ टेल और यू टेल द रियलिटी ऑफ वेरेसिटी टू अ पर्सन, कोई एक व्यक्ति है अधर्म का काम कर रहा है ना, चोरी चकारी या अधर्म के काम में छोटे छोटे काम भी आते हैं, जैसे एक भाई ने दूसरे भाई का हिस्सा मार लिया, जमीन जायदाद पे कब्जा कर लिया, अब पता क्या होगा, सारी सोसाइटी को पता होता है कि इस भाई ने इसके साथ में गलत किया है, मगर अब ये बताओ क्या वो सोसाइटी या सोसाइटी के लोग उस व्यक्ति के पास जाते हैं ये कहने कि भाई तुम अपने भाई के साथ बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है, क्या ऐसा होता है, यस और नो? नो। पीपल कीप दिस इन देयर हार्ट, दे डोंट स्पीक द ट्रूथ, है ना, ऐसा नहीं होता, पर ऐसा क्यों नहीं होता, व्हाई डोंट यू स्पीक द ट्रूथ, अब बताओ व्हाई डोंट यू स्पीक द ट्रूथ, तुम सच क्यों नहीं बोलते, उसके पास क्यों नहीं जाते, बताओ। पहली बार नोबडी थिंग्स, या फिर आप उस इंसान से अटैच्ड भी हो, चलो जिसके साथ बुरा हो रहा है उससे अटैच्ड भी हो मान लो, और मान लो उसकी अटैचमेंट की वजह से आपने सोचा नहीं इसका फायदा करते हैं, उस व्यक्ति को समझाते हैं कि उसने गलत किया है, तो आप जाते हो या नहीं, जाते भी हैं कुछ लोग, है ना, उस केस में जब वो व्यक्ति आपके क्लोज है, तो फिर वो व्यक्ति के पास जब आप जाते हो तो उस व्यक्ति को कैसा लगेगा, अच्छा या बुरा? अच्छा लगेगा। वो अपने भाई का हिस्सा मारना चाहता है, पर आप उससे कहोगे कि भाई अपने भाई के सामने गलत मत कर, उसका हिस्सा उसको दे दे। जब कृष्ण दुर्योधन के पास पांडवों का हिस्सा मांगने जाते हैं तो दुर्योधन को अच्छा लगता है या बुरा? बुरा। बुरा ही तो लगेगा। बुरा क्यों लगता है? क्योंकि तुम देना नहीं चाहते, राइट? तो वो इंसान तो सच बोल रहा है ना, he is speaking the truth, मगर उसको क्या लग रहा है, बुरा। तो बुराई कहाँ है, उसके अंदर ही है ना, कि तुम में बुराई है, तुम सच बोल रहे हो, उसको लग रहा है नहीं कड़वा, बुरा नहीं, तुम यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ, इट इज लुकिंग बिटर, इट टेस्ट्स बिटर टू दैट पर्सन हु इज, उसने अपने गले में तंबाकू भर रखी है, उसने अपने मुंह में तम
तंबाकू भर रखी है, अब उसके बाद तुम उसको मीठा खिला रहे हो। सच तो मीठा है, सच मीठा है ना। उसे सुनने वाला क्या कहना, सच सच बोलने वाले लोग मिलते नहीं है, नहीं सच सुनने वाले नहीं होते। कई बार बहुत लोगों में बहुत बुराइयां हमें दिखती हैं और हमें लगता है हम इसे बताएं ताकि इसका फायदा हो, ठीक है, लेकिन वो सुनने की स्थिति में नहीं है। मैं उसका बुरा बन जाऊंगा, बुरा वो खुद है पर मैं उसका बुरा बन जाऊंगा, वो मुझे लाइक नहीं करेगा, तो वो व्यक्ति नहीं चाहेगा कि ये व्यक्ति मेरे पास आए, सामने भी पड़े मेरे, वो मुझे घृणा की दृष्टि से देखेगा, फिर ही विल डिसलाइक मी। बट मैं एम आई रॉन्ग, एम आई रॉन्ग, बस तो गेटिंग द पॉइंट। लेकिन वो व्यक्ति जो अधर्म का काम या गलत काम कर रहा है, ही विल डेफिनेटली फेस द कॉन्सिक्वेंसेस इन फ्यूचर, तब उसको रियलाइज होगा और तब वो खुद चाहेगा कि कोई आकर के मुझे सुनाए बुरा बुरा। सेम धृतराष्ट्र के साथ हुआ था महाभारत में, विदुर उसको, विदुर जानते हो उसका मंत्री मेंटोर, वो उसको बहुत बुरा बुरा सुनाता था, कड़वे शब्दों के लिए जाना जाता था, तो वो धृतराष्ट्र के पास आके बोलता था, महाराज आप गलत कर रहे हो, आप इसके अब राजा हो, कुल को संभालो, अधर्म का त्याग करो। तो कहता दुर्योधन मानता ही नहीं है, मैं क्या करूं, जबकि उसके अंदर वो अभिलाषा थी, कहीं ना कहीं अंदर से वो भी चाहता था, है ना, तभी तो द्रौपदी जी रण होने दिया उसने। लेकिन जब उसके वंश का, कुल का, क्लैन का नाश होने लगा और बाद में वही खुद विदुर से बोलता है कि तुम मुझे सुनाओ, बुरा बुरा सुनाओ, आज मुझे तुम्हारे कड़वे शब्द भी कड़वे नहीं लग रहे, पता है क्यों, क्योंकि उसके मुंह से वो जो गुटका था ना वो निकल गया। उसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब आपके साथ कुछ बुरा हो गया ना, जब ईश्वर की लाठी पड़ी, ईश्वर की लाठी पड़ी बे आवाज, अब गुटका निकल गया, मुंह से लाठी पड़ गई, पिछवाड़े पे लाठी पड़ी तो मुंह से गुटका बाहर निकल गया, अब उसको वो मीठा लग रहा है। हाँ सही कह रहे हो तुम, मैंने गलत किया, वो गलत है, पर कब, जब गलत हो गया, दिख गया, परिणाम भुगतने पड़ गए, लाठी पड़ी जब ईश्वर की, राइट। तो देखो चापलूस पसंद आदमियों से बचो, चापलूसी से बचो, खुद भी बचो करने से भी और इसको झेलो भी नहीं। फिर देखो यू शुड हैव दैट विजडम टू सी वेदर द पर्सन इज जेन्युइन और नॉट, वेदर आई डिजर्व द अप्रिसिएशन और नॉट। अच्छा एक और उदाहरण दूं, कभी देखना एक भाई अपनी बहन की कभी प्रशंसा नहीं करेगा, ये सच है गलत है, सच है, पिता बेटे की है कभी प्रशंसा नहीं करेगा, टीचर स्टूडेंट की बहुत कठिन मुश्किल से प्रशंसा करेगा, खासकर एक सच्चा अच्छा टीचर होगा तो आसानी से प्रशंसा नहीं करेगा, बहुत जब आप जरूरत से ज्यादा मजबूर कर दो। ये वैसे लोग हैं पेरेंट्स, टीचर्स, भाई बहन, भाई बहन की प्रशंसा या बहन भाई की हद से ज्यादा कोई बात होगी ना तो करेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे, क्यों, इन रिलेशंस में प्रशंसा क्यों नहीं होती, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा, अगर उनकी कॉल पे एक घंटा बात होती है तो कम से कम 70% बात फालतू की होंगी, काल्पनिक बेफालतू की, और बताओ और बताओ, खाना खाया कि नहीं, मम्मी से नहीं पूछ रहा खाना खाया कि नहीं, सिस्टर से नहीं पूछ रहा खाना खाया कि नहीं, इफ ही इज वेरी गुड, इफ द पर्सन इज वेरी गुड, व्हाई इज दैट पर्सन नॉट आस्किंग, गुड तो गुड है ना, तो गुड तो सबके लिए गुड होना चाहिए ना, तो वो माँ से नहीं पूछ रहा, सिस्टर से नहीं, व्हाई ओनली यू, कि यू हैव ईटन द फूड ऑर नॉट, और तुम भी, व्हाट अबाउट यू, हैव यू ईटन द फूड ऑर नॉट, एंड फादर एट होम इज हंग्री, राइट। अब ये सच्चाई कड़वी तो नहीं लग रही तुमको, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए फिर भी हाँ अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी, सर आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस रिलेटेड टू दिस।
Is there somebody else? No? No. Okay then. Thank you very much.